इस संसार में कुल 157 ईसाई देश है, 57 इस्लामिक देश है और मुख्य रूप से एकमात्र हिंदू देश है भारत। अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसी की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 1950 से 2015 तक मात्र 65 सालों में हिंदू 8% से खत्म हुए हैं और मुस्लिम आबादी 43% से ज्यादा दर पर बढ़ गई है। इसका मतलब आज हिंदू 85% से घटकर 78% और मुस्लिम जनसंख्या 9.5% से 14% पर पहुंच गई है। अगर यह रिपोर्ट और आंकड़े हिंदुओं को छोड़ किसी भी और धर्म के होते तो ये पूरी दुनिया रो रो कर अपनी छाती फाड़ लेती, लेकिन जब हिंदुओं को ही उनके पतन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तो फिर औरों से क्या ही उम्मीद करें। समस्या यह नहीं है कि आज केवल 78% हिंदू बचे हैं, समस्या यह है कि लगातार घट रही हिंदू आबादी की मूल वजह और एकमात्र हिंदू देश भारत में हिंदू नस्ल का भविष्य क्या होगा यह जानने के बावजूद आज हिंदू मुर्दा बन चुका है। समस्या यह है, ईएसी की इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव दुनिया में कौन से धर्म की आबादी बढ़ी या घटी यह बताना था। 150 से ज्यादा देशों पर करे गए इस सर्वे रिपोर्ट में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसकी बहुसंख्यक आबादी 8% से कम और अल्पसंख्यक 44% से ज्यादा बढ़े। ऐसा डेमोग्राफी चेंज दुनिया में कहीं नहीं देखा गया और सबसे हैरानी की बात यह कि इन आंकड़ों से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिसे सुनकर अगर हिंदू हो तो आंखें फटी रह जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देश जिसे सार्क कंट्रीज भी कहते हैं, इन देशों में हिंदू कहां और कैसे गायब हुआ है। बांग्लादेश 1950 में 23% हिंदू थे, आज 2015 में 8% हिंदू पहुंच गए हैं। 66% हिंदू आबादी गायब हो गई है, 66% आबादी कोई मजाक नहीं होता। भूटान 1950 में 23% और आज 2015 में 11% हिंदू रह गए हैं, लगभग 50% हिंदू आबादी कम हो गई है। पाकिस्तान 1950 में 13% हिंदू थे और आज 2015 में मुश्किल से 2% हिंदू बचे हैं, कई दुनिया में 80% आबादी खत्म हुई होती देखी है क्या। श्रीलंका 1950 में 20% से 2015 में 15% पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान और मालदीव में तो गिनती के हिंदू बचे हैं, बचा भारत जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये हालात है हिंदुओं के भारत उपमहाद्वीप में। अगर यह सब सुनकर अभी आपको चक्कर नहीं आए तो जो अब आप देखने वाले हैं वो आपका दिमाग फाड़ देगा। देखो, हिंदुओं का इतनी बड़ी आबादी में घटना कोई धर्म परिवर्तन या मास किलिंग नहीं है। मोटे तौर पर हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट, बच्चा पैदा करने की दर दूसरों से कम है, मतलब हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए उनकी आबादी प्रतिशत घट रही है और जो ज्यादा कर रहे हैं उनकी बढ़ रही है, ऐसा हमें आम तौर पर बताया जाता है। लेकिन हिंदू कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा, नौकरी, महंगाई, बढ़ती जनसंख्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। 50 साल पहले भी हिंदू इन्हीं कारणों को रो रहा था और आज भी एक आम हिंदू इन्हीं कारणों को कम बच्चा पैदा करने की वजह बता रहा है। लेकिन क्या सच में कम बच्चा पैदा करके हिंदुओं के जीवन स्तर में कोई सुधार आया है? क्या आज सबके पास सरकारी नौकरी या कोई लाखों में कमा रहा है? सवाल कम या ज्यादा बच्चे पैदा करने का नहीं है, लेकिन जिस ग्लोबल एजेंडे के साथ हिंदुओं की मानसिकता में यह भरा गया कि कम बच्चों से आपके जीवन में सुधार और तरक्की आएगी, तो क्या परिणाम हुआ उसका? उल्टा हमारे परिवार खत्म हो गए। पहले 4 पल जाते थे, आज एक नहीं पल पा रहा। पहले एक पढ़ा लिखा परिवार चलाता था और आज पढ़ा लिखा परिवार घर नहीं चला पा रहा। नौकरियां कोटों में आरक्षित हो गई और संसाधनों पर माइनॉरिटी का अधिकार हो गया। हिंदू पढ़ा लिखा है, भविष्य देख सकता है, देश की चिंता करता है, इसलिए छोटे परिवार पे विश्वास करता। अगर यही ख्याल के साथ जी रहे हो तो आप इस देश के सबसे बड़े अनपढ़ हो। 2011 तक पूरी दुनिया की 37% नसबंदी केवल भारतीय हिंदू महिलाओं की थी। आपको क्या लगता है यह सब रातों रात हो गया? 70 के दशक में वेस्ट ने भारत पर जनसंख्या नियंत्रण का दबाव बनाया। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $66 मिलियन की सहायता भी करी। केवल एक साल के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के मिशन से स्वर्गीय संजय गांधी ने पूरे देश में नसबंदी अभियान शुरू कर दिए। एक के बाद अभी नहीं, दूसरा कभी नहीं, हम दो, हमारे दो, पहले बच्चे का अधिकार, 3 साल तक पूरा प्यार, ये सब कैंपेन चलाए गए। लेकिन इमरजेंसी लगते ही ये फैमिली प्लानिंग मिशन जबरन नसबंदी अभियान में बदल गया। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सीधा पुलिस, सबके नसबंदी के कोटे निर्धारित कर दिए।
सर्कुलर जारी कर दिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन तभी होगा जब वो नसबंदी करा लेंगे। जिन बच्चों के माँ बाप ने नसबंदी नहीं कराई उनके एडमिशन बंद हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस, सेल टैक्स लाइसेंस और बाकी चीजों के लिए नसबंदी कराना अनिवार्य हो गया। नसबंदी ना कराने पर मुफ्त इलाज बंद हो गया। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियां बंद हो गई। और जो सरकारी कर्मचारी नसबंदी के टारगेट को पूरा करने लगा या उससे ज्यादा करने लगा, सरकार उसे इनाम देने लगी। इस चक्कर में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में नसबंदी इस चरम पर पहुंच गई कि किसी की शादी हुई या नहीं हुई, एक बच्चा हो या दो, जो भी दिखा उसे उठाकर जबरन नसबंदी करा दी। डर की वजह से लोग घर छोड़ो खेतों में कई दिनों तक छुपे रहे। मंजर कुछ इस तरह था कि जहां उत्तर प्रदेश में एक दिन में कुछ 350 नसबंदी होती थी, कुछ ही दिनों के अंदर 5,500 लोगों तक पहुंच गई। और ये मैं बस आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, केवल 2 सालों के अंदर 1975 से 1977 तक लगभग 81 लाख लोगों की नसबंदी हो चुकी थी। लेकिन ये नसबंदी हुई किसकी थी, नसबंदी कराने वाला धर्म था कौन सा? हमारे साथ यही दिक्कत है कि इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ हमने ये कभी जानना ही नहीं चाहा। नसबंदी का सबसे ज्यादा विरोध उस समय मुसलमानों ने करा। जबरदस्ती छोड़ो, सरकार ने मुसलमानों को मनाने के लिए उनसे बातचीत करी, लेकिन मुसलमानों ने विरोध करके मरना पसंद करा, लेकिन नसबंदी की लाइन में नहीं लगे। मुसलमानों का मानना था कि यह हिंदुओं द्वारा उनकी नस्ल खत्म करने का प्लान है, और यह कोई कहानी मात्र नहीं है। आप गूगल भी छोड़ो, अगर कोई बुजुर्ग मिले तो उससे पूछना कि यह हुआ था या नहीं हुआ। और जब जनसंख्या बढ़ने की बात करोगे तो तर्क मिलेगा कि वो अनपढ़ और गरीब हैं, जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो कम बच्चे पैदा करने लगेंगे। एक बात तो बताओ, आज भी मुसलमानों की पूरी आबादी से ज्यादा गरीब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, फिर भी हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ग्रोथ रेट भारत के मुसलमानों से कम है, तो क्या वहां के मुस्लिम भारत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? मैं फिर से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, यहां सवाल कम या ज्यादा बच्चे पैदा करने का नहीं है, सवाल है हिंदुओं के दिमाग और उनकी सोच को हाईजैक करने का। आजाद भारत हर धर्म की एक निश्चित जनसंख्या प्रतिशत के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में आया। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जिसकी संख्या ज्यादा उसकी सरकार, उन्हीं के लिए नीतियां, उन्हीं की व्यवस्था, उनके संसाधन और उन्हीं की नौकरियां। दुखद रूप से भारत की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की यही सच्चाई है, और यह इतिहास में हमने देखा है। तो जरूरी है कि जो रिलीजियस डेमोग्राफी पहले थी वही समान रूप से हर धर्म की जनसंख्या बढ़े तो ही यह भारत अपने वास्तविक मूल रूप में बना रहेगा। वरना आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी नस्ल और नाम दोनों बदल गए हैं। आज पारसी नाम मात्र के बचे हैं, जैन लोगों की संख्या लगभग खत्म हो चुकी है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या आप वो भारत को सोच सकते हैं, उसकी परिकल्पना भी कर सकते हैं जहां जैन, पारसी, सिख, बौद्ध गायब हो जाए? ये हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हो रहा है। और बात केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी केवल 3 नस्ल है, ईसाई, मुसलमान और भारत। 2010 आंकड़ों के हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई 217 करोड़, फिर मुसलमान 160 करोड़ और उसके बाद हिंदू 100 करोड़ थे। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने यह बताया कि 2050 में ईसाई लोगों की यही संख्या 290 करोड़, मुसलमानों की 275 करोड़ और भारत की मात्र 138 करोड़ पर पहुंच जाएगी। मतलब 2050 में इस दुनिया में ईसाई 31%, 30% मुस्लिम और हिंदू लोगों की नस्ल मात्र 15% से भी कम होगी, जिसमें 99% हिंदू तो यहाँ भारत और आसपास के देशों में ही होंगे। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि ये वहम में मत रहना कि हम हिंदू पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका में 0.4%, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में 0.2%, यूरोप में 0.1% और लैटिन अमेरिका में भी 0.1%, मुश्किल से हम किसी भी कॉन्टिनेंट की हिंदू आबादी 1% भी नहीं है। कहने का साफ साफ यही मतलब है कि इस धरती पर ले देकर हिंदुओं के पास बस यही जमीन और एकमात्र भारत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी हिंदुओं को मेरी ये बातें बहुत फालतू लगेगी, लेकिन याद रखना, इस संसार में हम हिंदुओं का सम्मान, इज्जत और अस्तित्व तब तक है जब तक इस देश में हिंदू मेजोरिटी और भारत की रिलीजियस डेमोग्राफी वो नहीं पहुंच जाती जो आजादी के समय थी। तब तक कौन कितने बच्चे पैदा करे या ना करे, नौकरी मिले या ना मिले, लोकतंत्र बचे या ना बचे, या पहला हक किसका हो या ना हो, इस मैट्रिक्स में फंसकर एक दिन खुद को अल्पसंख्यक होते देखना।
बस एक बात बोलकर जा रहा हूं, अगर आज नहीं बोलोगे तो कल केवल मात्र इतिहास बन के रह जाओगे। देखो मुझे सच में नहीं पता कि क्या बोलकर मैं आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बोलूं, लेकिन एक बात जो मुझे बखूबी पता है कि आगे आने वाली हिंदू सनातन जागृति की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। अपने इस काम को, इस जागृति को, इस यज्ञ को इसी रूप से जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक्सो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें, और मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो द टॉक्स शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय